सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चल मचा दे, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं जॉकर की आवाज पढ़ के आया हूँ और बहुत ज्यादा भीषण भूख लग रही है, खाना खाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे घर में क्या है कि गर्मी की वजह से फेस जो है हमारा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, मतलब वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा जो आगे का कूलर था उसका कंडेंसर रात में चल गया, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन आ रहा था बार बार और वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा था, जिसकी वजह से कूलर भी जल गया। तो आज मैंने कंप्लेंट डाली है तो लाइनमैन आएगा, वो फेस चेंज करेगा, और अगर फेस चेंज हो गया तो अच्छा वोल्टेज आना चालू हो जाएगा। तो मैंने कंप्लेंट तो डाल दी, अब वेट करते हैं कि वो कब तक लाइनमैन आएगा, फिर उसके बाद ही वोल्टेज सही हो पाएगा। तो देखते हैं, तब तक हम खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना लग चुका है और ये उड़द की दाल है और फीकी वाली दाल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, रोटी के साथ सिंपल, तो ये सिंपल सा खाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मसाले वाली चीज़ें नहीं खा रहा हूँ मैं, एसिडिटी होती, प्रॉब्लम होती है। डैनियल उधर देखो खेल कर रही है, वो चौक जो चींटी का पॉइजन वाला है वो हाथ में लेके और वो लगा रही है दीवारों पे, सब दूर लगा रही है, और मम्मी आएंगी तो बहुत मारेंगी उसे। डैनियल दीवार पे मत करो, रख दो उसको, रख दो, वो जो पॉइजन है वो, चलो लाओ मेरे को दो, क्यों नहीं दोगी औरत तेरी, भगा रही है दानियल मुझे और दे भी नहीं रही है। तेरी क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है? कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। जिन जिन देशों, तो दोस्तों आयत और हमारे अब्बास जा रहे हैं नानी के घर और वो आएंगे कुछ दिन बाद, और फरदीन भी जा रहा है, बहुत दिन हो गए थे, फरदीन के घर वाले बुला रहे हैं उन्हें, उसके चाचा और उसके वाली साहब फरदीन को याद कर रहे हैं, तो फरदीन जा रहा है और अब्बास भी नानी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं तो घूम ही आएंगे, गर्मी की छुट्टी लग गई थी तो जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस करूंगा दोनों को। तो दोस्तों अब्बास और आयत तो नानी के गए और फरदीन भी चला गया है, बहुत दिन हो गए थे, उसने घर गया है वो, और हम जब तक कर लेते हैं तरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से तरी करी नहीं थी, तो थोड़ी सी तरी कर लेते हैं दीवार पे। फरदीन को बहुत मिस करूंगा यार मैं, क्योंकि बहुत नेक बच्चा था वो और कभी भी उसने कोई गलत काम किया नहीं, कभी कोई मस्ती की नहीं, और बहुत अच्छा बच्चा था, चला गया वो, याद करेंगे उसको बहुत यार, मिस करेंगे। तो दोस्तों हमारी गर्मा गर्म दाल बन रही है और माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। बीवी ने थोड़ा सा सैलेड भी कर लिया और ये देख लो, बहुत ही जहरीली चीज़ है ये मेरे लिए, तो बीवी को बहुत पसंद है, मिर्ची है ये, और मैं समझ गया था इसकी धास जो उड़ रही थी ना, मुझे लग गया था कि मिर्ची फ्राई हो रही है, तो ये मैं अपने लिए मिर्ची फ्राई कर ली है उन्होंने और चावल बन के रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर खाएंगे मस्त दाल चावल। तो दोस्तों आज जुम्मे का टाइम है, जुम्मे का टाइम हो चुका है, नमाज का टाइम हो गया है और अभी तकरीबन 1 बज रही है, तो जल्दी से जुम्मे की नमाज के लिए निकलता हूँ। दानियल आप तैयार हो जाना जब तक, ठीक है? आज जुम्मा, आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ोगी ना अम्मी के साथ, तो मैं जाऊँ नमाज पढ़ने, आप तैयार हो जाओगी जब तक? कहाँ? यहाँ नहीं, जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में पढ़ते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दानियल ने सारे टॉयज उसके फेंक दिए हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। गुस्सा क्यों आ रहा आपको बताओ? अरे वाह यार, ये तो बहुत पिंक है। आपकी फेवरेट है क्या? Yes. किसने दी थी आपको ये? मम्मी ने। है मम्मी ने दिलाई आपको? और ये टॉय आपने फेंक क्यों दिए? अच्छा, मैं आपके साथ खेल नहीं रहा था इसलिए आपने टॉयज फेंक दिए। तो खेलना पड़ेगा मुझे? Yes. अरे यार आप खेलो ना, मैं देख तो रहा हूँ आपको। अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करो, इनको ये है ना, इनको खड़े करो एक लाइन में। पहले इन्हें एक लाइन में खड़ा करो। बताओ सही तो है, कहाँ टूटा है? डियर है, डियर। ये क्या है? ये तो बियर है, बियर। पापा बियर है, ये तो बियर है। ये तो इसको एक लाइन में खड़ा करो ना आप। बोट थोड़ी है वो डियर है। अच्छा बोट है, क्यों इसकी आइस कहाँ चली गई? आइस घूम गई इसकी? आइस को क्यों घुमा दिया आपने? अब वो देखेगा कैसे इधर उधर? अच्छा आप एक काम करो। ऐसा नहीं करते पागल। एक काम करो, इस बकेट में सारे टॉयज को रख दो, ये वाली बकेट में। तो आप उसको लाइन से तो लगा नहीं रही हो। अच्छा। लगाओ सब लाइन से। तो दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्शन का काम फिर से चालू हो चुका है और ये पोर्च रह गया था तो इसको भी आज हमने करवा लिया है। और माल थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, यहाँ इतना ही हो पाया तो ये दूसरा माल वापस से बना रहा है भाई। ये लेवल तो उतना ही है, लेवल उनने बड़ा ऊपर नहीं करा हमने। तो ये हमारा माल बनने के लिए तैयार हो रहा है और ये पूरा आज कंप्लीट करवाना है। तो ये आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा फर्श, क्योंकि यहाँ पर पहले ये लोहे का जाल नहीं बिछा हुआ था जिसकी वजह से क्या है कि टाइल से नीचे बैठ रही थी तो वो टाइल से निकलवा के जाल बिछवा लिया है और उसके ऊपर फिर ये माल बिछवा लिया है और फिर उसके ऊपर टाइल्स लग जाएंगी। तो आज ये काम हो जाएगा। और हमारे गुमान सिंह कल आ गए थे रात में बड़ी मन्नतों के साथ, तो आज काम निपटा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा विंडो एसी है और आज इसे हम रिपेयर करवाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये रखा हुआ था और इसमें चूहों ने जो तबाही मचाई है, आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें इन्होंने काट दी है चूहों ने। तो ये सर्विसिंग होगा अच्छे से, तो आज इसे सर्विसिंग के लिए हमने दे दिया है। जो फरीद भाई हैं वो रिपेयर करने के लिए आए हुए हैं। पहले सबसे पहले इसे चेक करवा लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चेक करके तो देखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये चालू है कि बंद है और काम कर रहा है कि नहीं। तो इसकी सर्विसिंग करवा लेते हैं और क्या कहते हैं अपना, फिर इसे विंडो को लगा लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और नीचे एक भी एसी लगा हुआ नहीं है और एक एसी लगाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर उसे काम बन नहीं पा रहा है। बाकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ वोल्टेज की समस्या है तो इसके लिए स्टेबलाइज़र भी लेके आना पड़ेगा। तो इसे हम पहले चेक करवा लेते हैं अच्छे से, इसकी सर्विसिंग करवा लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये बंद है या चालू है। तो दोस्तों आज शहजाद खलीफा का निकाह हो चुका है गुल्लू के साथ, उनकी लव मैरिज है और सब घर वालों ने एक्सेप्ट करके उनका निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। उसका एक सेपरेट ब्लॉग मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट्स में अपना प्यार दिखाना ना भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए शब्बा खैर।